गुड मॉर्निंग एवरीवन आज हम देखेंगे चैप्टर ट्वेंटी एट डायोरेटिक्स का पार्ट टू तो इसमें हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं व्हाट इज नेफ्रॉन तो नेफ्रॉन जो है ये हमारे किडनी में प्रेजेंट होते हैं ये लाखों में प्रेजेंट होते हैं अराउंड टेन लैक्स ये क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं और इनका काम है ब्लड के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है एज वेल एज एक्सिस वाटर है और फ्लूड है इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स है जो एक्सिस में है उसे फिल्टर करके बॉडी से बाहर निकालना एज अ वेस्ट प्रोडक्ट तो अभी हम डिस्कस करते हैं सिंपली नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में रहता है फर्स्ट बाउमंस कैप्सूल बाउमंस कैप्सूल के अंदर ये जो रेड कलर की कैपिलरीज दिख रही है इसे बोलेंगे हम ग्लोम्यूरस उसके बाद आता है प्रोजिमल कन्वील्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो कि कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है जहाँ यहाँ तक के उसके बाद आता है लूप ऑफ हैंडले ये जो यू शेप दिख रहा है ये है लूप ऑफ हैंडले ये स्पेशली मेडुला जो होता है किडनी का यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये हो गया आपका डिसेंडिंग लूप और ये हो गया आपका असेंडिंग लूप और इसके बाद आता है डिस्टल कन्वल्यूटेड टिब्यूल और फाइनली कलेक्टिंग टिब्यूल तो ये डिस्टल कन्विलुटेड ट्यूब्यूल जो है ये कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है और फाइनली कलेक्टिंग टिब्यूल ये आपके मेडुला में प्रेजेंट होता है तो इस तरह से जो आपका नेफ्रॉन है ये ब्लड में से वेस्ट एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइट वाटर आयंस इनको फिल्टर करने का काम करता है और इसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे रीऐबजॉर्बशन एज वेल एज सिक्रीशन जो है यहाँ पे ये जो प्रॉक्सिमल कन्विल्यूटेड ट्यूब्यूल से लेके लूप ऑफ एनले डिस्टल कन्विल्यूटेड ट्यूब्यूल में यहाँ पे रि एज वेल एज सिक्रीशन का काम होता है तो अगर हम देखेंगे तो डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले में वाटर एब्जॉर्ब होता है एज वेल एज असेंडिंग लूप ऑफ एनले में आपके इलेक्ट्रोलाइट स्पेशली सोडियम जो है वो रीएब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम दिस ग्लोमस फिल्टस तो आप अगर देखेंगे तो ये जो ग्लोम्यूरस है यहाँ वो ब्लड का आ, प्यूर, प्यूरिफिकेशन होता है और प्यूरिफिकेशन होने के बाद ये जो ट्यूब्यूल्स है इसके अंदर जो फिल्ट्रेट होता है वहां से जो जरूरी चीजें हैं उसका फर्दर रीएब्जॉर्प्शन होता है बाय एक्टिव मेथड एज वेल एज बाय पैसिव मेथड तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये जो प्रोक्सीमल कन्वीलेटेड टिब्यूल है जो कि आफ्टर बाउमंस कैप्सूल है आफ्टर बाउमंस कैप्सूल जो प्रोक्िमल कन्विटेड टिब्यूल है इसके अंदर जो है मोस्ट ऑफ द रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है इसमें वाटर रीएब्जॉर्प्शन इलेक्ट्रोलाइट रीएब्जॉर्प्शन ये सब चीज़ें मोस्ट ऑफ़ द रीएब्जॉर्प्शन एबजॉर्प्शन यहाँ पे होता है प्रोक्सीमल कन्वीलेटेड टिब्यूल में उसके बाद फिर लूप ऑफ एनले में डिसेंडिंग में वाटर रि असेंडिंग में इलेक्ट्रोलाइट स्पेशली सोडियम रि एंड फाइनली डिजिटल कन्विलुटेड ट्यूबुल में आपको एनएसएल प्लस वाटर मिलेगा इसके बाद कलेक्टिंग ट्यबूल से फिर से वाटर का रिएबजॉर्प्शन होगा यूरिया का रि होगा और फाइनली ये प्रोडक्ट एक्सक्रीट होगा हमारे बॉडी से जो भी हमारे बॉडी को जरूरत नहीं है तो ये हो गया शॉर्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ नेफ्रॉन इसके बाद हम देखते हैं हमारे एक्चुअल क्लासेस ऑफ डायोरेटिक्स जिसमें जिसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था और उसमें फर्स्ट था वीक डायोरेटिक्स जिसकी प्रॉपर्टी बहुत ही वीक होती है इसमें सब कैटेगरी है ऑस्मेटिक डायोरेटिक इसमें दो पार्ट है इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है कैपेसिटी ऑफ ट्यूब्यूल टू रि ऑस्मोटिक एक्टिव सब्सटेंस इज लिमिटेड तो ये ऑस्मेटिक डायरेटिक्स इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ये कैटेगरी हम देख रहे हैं तो ये ऑसोमेटिक एक्टिव सब्सटेंस क्या रहते हैं कि ये एक बार फिल्टर हो गए तो इसका रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता फ्रॉम टिब्यूल्स तो हमने इसमें देखा है हमारे नेफ्रॉन में रीएब्जॉर्प्शन होता है वेरियस इलेक्ट्रोलाइट्स का वाटर का आयंस का तो ये जो है ऑसोमेटिकली एक्टिव सब्सटेंस जो है ये भी फिल्टर होता है ब्लड से इन ट्यूब्यूल्स बट ये वापस रीएब्जॉर्ब नहीं होता मीन्स हमारे बॉडी में रीएब्जॉर्ब नहीं होता इसके वजह से इसको यूज़ करते हैं एज अ ऑस्मोटिक डायोरेटिक्स इफ़ इन प्लाज्मा वन ऑफ सच सोल्यूट इज़ इंक्रीज देन इट्स कॉन्सेंट्रेशन इन ग्लोमुलरस फिल्टरेड ऑल्सो इनक्रीज तो अगर हमने ये वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉरी वीक डायरेटिक स्पेशली इलेक्ट्रोलाइट्स को हमने अगर प्लाज्मा में इंजेक्ट कर दिया और प्लाज्मा में हमने इसको एंट्री कर दिया तो ये क्या हो जाएगा ग्लोमरलस फिल्ट्रेट में भी इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा बिकॉज प्लाज्मा में है तो ब्लड में है ब्लड जाएगा आपके फिल्ट्रेशन यूनिट में और फिल्ट्रेशन यूनिट में ये फिल्टर हो जाएगा थ्रू दैट बाउमंस कैप्सूल और ये फिर रीएब्जॉर्ब नहीं होता वापस से हमारे बॉडी में नहीं आता है इसके वजह से क्या हो जाएगा कि ऑस्मोसिस डेवलप हो जाएगा और ऑस्मोसिस डेवलप होने के वजह से रिअब्जॉर्बन ऑफ वाटर जो है ये नहीं हो पाएगा उसके वजह से हमारे बॉडी से ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में वाटर बाहर निकलेगा बाय ऑस्मेटिक एक्टिविटी एंड इसे ही हम बोलेंगे ऑस्मोटिक डायूरेटिक दिस इंक्रीज इन एक्सक्रीशन ऑफ सच सोल्यूट इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ वाटर तो ये जो सोल्यूट है जो कि ऑस्टोमेटिकली एक्टिव है ये रिएबजॉर्ब नहीं होते और रीऐबजॉर्ब नहीं होते इसके वजह से वाटर जो है वाटर भी रिएबजॉर्ब नहीं हो पाता और इसके वजह से एक्सिस बॉडी में अगर फ्लूड है वाटर हमारे बॉडी में जमा हुआ है तो ये इजीली जो है विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट विच इज ऑस्मोटिकली एक्टिव ये बाहर निकल जाता है अब ये जो ऑसोमेटिक डायूरेटिक है इसके कुछ कैरेक्टर्स होना चाहिए एक तो कैरेक्टर ये होना चाहिए कि भाई ये इजीली मेटाबोलाइज नहीं होना चाहिए बॉडी के अंदर और इसके अलावा ये रीएब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए जो कि नेफ्रॉन में टिब्यूल्स है ट्यूब्यूल्स जिसे हम रिनल ट्यूब्यूल्स बोलते हैं उसमें से रीएब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए तो ये दो खास प्रॉपर्टी हमारे इलेक्ट्रोलाइट में होना चाहिए जिसके वजह से हम उसे यूज़ कर सकें एज अ ऑस्मोटिक डायोरेटिक तो ये जो है हेल्प करता है एक्सिस वाटर जो है हमारे बॉडी में प्रेजेंट है उसे निकालने के लिए तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं सोडियम क्लोराइड जिसे हम सॉल्ट बोलते हैं सोडियम क्लोराइड को भी हम वीक डायोरेटिक और ऑस्मोटिक डायोरेटिक करके यूज करते हैं एक्सिस ऑफ एनएसीएल कॉजेज ऑस्मोटिक डायोरेसिस अगर हमारे बॉडी में एक्सिस एनएसीएल दिया गया तो वो ऑस्मोटिक डायोरेसिस क्रिएट करता है इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाइपरटोनिक एनएसएल सोल्यूशन रेजेस सोल्यूशन सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड ऑफ ग्लोमिलुरर फिल्ट्रेट लीडिंग टू डायोरेसिस तो अगर हम एक्सिस हाइपरटोनिक एन ए सी एल सोल्यूशन इंट्रावेनसली देते हैं तो ये क्या करता है कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूड में एन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता है अल्टीमेटली ग्लोमिलोरस फिल्ट्रेट में भी सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता है जिसके वजह से ऑस्मोसिस प्रोड्यूस होता है और उसके वजह से डायूरेसिस प्रोड्यूस होता है जिसके वजह से एक्सिस फ्लूड जो है हमारे बॉडीज से निकलता है सोडियम सॉल्ट आर हाउ वीक इन एक्शन एज सोडियम इज़ रीएब्जॉर्ब तो सोडियम जो है ये वीकर इन एक्शन है बिकॉज सोडियम जो है ये रीएब्जॉर्ब होता है बट आइडियल प्रॉपर्टीज जैसा कि हमने देखा है कि भाई हमारा ऑस्मोटिक डायूरेटिक जो है ऑस्मोटिक डायूरेटिक क्या होना चाहिए ये रीएबज़ॉर्ब नहीं होना चाहिए एज वेल एज मेटाबोलाइज नहीं होना चाहिए बट इसमें रीएब्जॉर्बन कंडीशन में एनएसीएल फेल होता है जो सोडियम आयन है ये रीएब्जॉर्ब होता है इन केस ऑफ ओडेमा वेयर डायोरेटिक्स आर इंडिकेटेड देयर इज ऑलरेडी एक्सिस ऑफ एन ए प्लस इन बॉडी एंड सोडियम सॉल्ट एग्रीवेट द कंडीशन तो ओडेमा में क्या होता है ओडेमा में हमें डायोरेटिक का जरूरत रहता है और ओडेमा कंडीशन में ऑलरेडी सोडियम जो है हमारे बॉडी में ज़्यादा रहता है और ऐसे कंडीशन में अगर हम सोडियम क्लोराइड को यूज़ करते हैं एज अ डायोरेटिक तो वो ओडेमा का कंडीशन कम करने की जगह और बढ़ा देता है इसलिए ओडेमा कंडीशन में हम सोडियम क्लोराइड को प्रेफर नहीं करते एज अ डायोरेटिक इसके जगह हम दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं विच डज़ नॉट कंटेन सोडियम आयन एन और जिसे हम सोडियम बायोकार्बोनेट बोलते हैं इज समाइम यूज टू तो प्रोड्यूस अल्कलाइन यूरिन तो ये सोडियम बायोकार्बोनेट ये समटाइम यूज़ करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग अल्कलाइन यूरिन तो अल्कलाइन यूरिन मीन्स जिसका पी एच जो है बेसिक साइड है बेसिक साइड और अल्कलाइन है उसे उसे हम अल्कलाइन यूरिन बोलेंगे तो ऐसा यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट और एन एच सी ओ थ्री का यूज़ करते हैं स्पेशली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में और सल्फोनामाइड एडमिनिस्ट्रेशन में सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज करते हैं एज अल्कलाइन एजेंट और टू मेक यूरिन अल्कलाइन तो यूरिन को अल्कलाइन बनाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करेंगे उसके बाद दूसरा आता है पोटेशियम सॉल्ट तो इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरी का सेकंड एग्जांपल है पोटेशियम सॉल्ट दिस आर मोर इफेक्टिव दैन सोडियम सॉल्ट तो ये ज्यादा इफेक्टिव है सोडियम सॉल्ट से पोटेशियम साइड्रेट इज कॉमनली यूज टू प्रोड्यूस अल्कलाइन यूरिन तो ये भी यूज करते हैं अल्कलाइन यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए तो पोटेशियम साइड्रेट जो है ये मोस्ट कॉमनली यूज करने वाला प्रोडक्ट है फॉर अल्कलाइन यूरिन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोटेशियम सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ रीन रिनल इनसफिशेंसी कॉज हाइपर कैलेमिया तो एडमिनिस्ट्रेशन अगर हमने किया पोटेशियम साइट्रेट का ऐसे पेशेंट में जिसे रीनल प्रॉब्लम है और उसका किडनी डैमेज है और उसका किडनी प्रॉपरली फिल्ट्रेशन नहीं करता है तो वो ऐसे कंडीशन में वो पेशेंट में हाइपर कैलेमिया और इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम हो सकता है अब हम आते हैं दूसरा कैटेगरी दैट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो ऑस्मोटिक डायरेसिस में नॉन इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरी में आता है मैनीटॉल मैनीटॉल क्या है मैनीटॉल इज अ शुगर ये शुगर है वेन हाइपरटोनिक सोल्यूशन ऑफ मैनीटॉल इज इंजेक्टेड ड्रॉज वाटर फ्रॉम द सेल एंड एक्सट्रास्लर स्पेसेस इन टू द वेसल्स तो जब हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन मैनिटॉल का इंजेक्ट करते हैं तो ये क्या करता है वाटर जो है सेल के अंदर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो प्रेजेंट होता है फ्लूइड उसे क्या करता है ब्लड वेसल्स के अंदर खींच लेता है तो ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन अगर हम इंट्रावेनसली देते हैं तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या करेगा उसके सराउंडिंग में जो भी सेल है जिसमें वाटर है ज़्यादा या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में बहुत ज़्यादा वाटर है उसे वो ब्लड वेसल्स में खींच लेगा तो उसके वजह से प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाएगा और इसके वजह से रीनल ब्लड फ्लो भी बढ़ जाएगा जिसके वजह से डायूरेसिस होगा बाय इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ग्लोमर फिल्ट्रेट सो दैट ट्यूबुलर रि ऑफ वाटर इज डिमैनिज तो यह हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या करेगा प्लाज्मा वॉल्यूम को बढ़ा देगा प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ाने की वजह से रिनल ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा रिनल ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से डायरेसिस होगा ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर और इसके वजह से फिल्ट्रेट जो है इसमें से वाटर रि नहीं हो पाएगा और इसके वजह से एक्सिस वाटर जो है हमारे बॉडी से निकल जाएगा और पेशेंट के बॉडी से निकल जाएगा जिसके बॉडी में वाटर और बॉडी फ्लूइड ज़्यादा बढ़ गया है तो ये इस तरीके से हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक ऑस्मोटिक डायोरेटिक जिसका नाम मैनीटॉल है ऐसा काम करता है इट इज़ यूज एज डायोरेटिक टू ट्रीट ऑलिगो कंडीशन ऑफ Acute renal तो ऑलिगोरिक कंडीशन जो होती है एक्यूट रिनल फेल में उसमें एज ए डायोरेटिक करके इसको यूज करते हैं इट इज ऑल्सो यूज टू रिड्यूज इंट्राओकुलर प्रेशर तो इसको इंट्राओकुलर प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए भी यूज करते हैं जो हमारे आइज में होता है इसके बाद दूसरा कैटेगरी है वीक डायबिटिक्स का वो है एसिड आसीड़, एसिडिफाइंग सॉल्ट इसमें आता है अमोनियम क्लोराइड जिसे हम एन एच फोर सी एल भी बोलते हैं इट इज़ गिवन ओरली आफ्टर एब्जॉर्प्शन इट इज़ कन्वर्टेड बाय लीवर इनटू यूरिया एंड एच प्लस आयन तो ये जो है अमोनियम क्लोराइड इसको ओरली देते हैं आफ्टर एब्जॉर्प्शन ये लीवर में जाता है और ये कन्वर्ट होता है यूरिया में और हाइड्रोजन आयन में तो ये इसका सिंपल रिएक्शन है अमोनियम क्लोराइड जो कि अमोनिया देता है क्लोराइड आयन देता है और हाइड्रोजन आयन देता है द एच प्लस आयन रिएक्ट विद बाइकार्बोनेट एंड अदर बफर्स इन एक्सट्रासर फ्लूड तो ये जो है एच प्लस आयन जो कि प्रोड्यूस हुआ है बाय अमोनियम क्लोराइड ये क्या होता है रिएक्ट होता है बाइकार्बोनेट और अदर बफर जो कि प्रेजेंट होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड अब ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड क्या होता है जो कि सेल के बाहर होता है उसे हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड चाहे वो ब्लड में बोलिए या फिर आपका लिम्फेटिक नोड्स में बोलिए वहाँ पे जो फ्लूड होता है जो कि सेल के बाहर होता है या फिर बिटवीन द सेल बोलिए ये जो फ्लूड होता है उसे हम एक्स्ट्रासर फ्लूड बोलते हैं तो ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये क्या करता है H प्लस आयन बनाता है इन लीवर और ये H प्लस आयन क्या करता है एक्स्ट्रासर फ्लूड में जो बायोकार्बोनेट आयन है एज वेल एज बफर्स है उसके साथ रिएक्ट होता है तो इसके वजह से क्या होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में बायकार्बोनेट आयन जो है उसका रिडक्शन होता है जिसके वजह से एसिडोसिस होता है एंड पीएच जो है वो फॉल होता है ऑफ दैट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड दिस इज बिलीव टू कॉज डायूरिस एंड यूरिन बिकम एसिडिक तो इसके वजह से क्या होता है डायूरिस होता है और यूरिन जो है ये एसिडिक बन जाती है द एक्सिस क्लोराइड आयन फ्रॉम एट एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूड इज फिल्टर्ड बाय ग्लोमेरुलस एंड प्रोमोट ऑस्मोटिक डायरेसिस तो एक्सिस जो क्लोराइड रहता है जो कि अमोनियम क्लोराइड से मिलता है तो ये क्या करता है कि ये फिल्टर होता है बाय ग्लोम्योरेस जो ग्लोमस रहता है जो स्मॉल कैपिलरीज रहती है नेफ्रॉन के अंदर जिसे बाउमंस कैप्सूल एंट्रैप करके रखती है वहाँ से एक्सिस क्लोराइड आयन फिल्टर होते हैं इनटू फिल्ट्रेट और इसके वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है और इसके वजह से यूरिन एक्सक्रीशन होता है और डायूरसिस होता है डायरेटिक एक्शन ऑफ अमोनिया सॉरी अमोनियम क्लोराइड इज सेल्फ लिमिटिंग एस किडनी कंपनसेट फॉर एसिडोसि प्रोड्यूसिंग अमोनिया गैस बाय सीक्रेटिंग मोर एच प्लस फॉर एक्सचेंज विथ सोडियम इन द टिब्यूलर फ्लूड तो ये जो अमोनियम क्लोराइड जो है इसका डायोरेटिक एक्शन ये सेल्फ लिमिटिंग है जब तक है तब तक ही रहेगा तो ये क्या करता है कि भाई अमोनियम क्लोराइड जो है ये एसिडोसिस को कंपनसेट करने के लिए क्या करता है अमोनिया गैस प्रोड्यूस करता है और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है जो कि ट्यूबुलर फ्लूड के सोडियम आयन्स के साथ एक्सचेंज होते हैं और इसके वजह से क्या होता है कि जो उसकी डायूरेटिक प्रॉपर्टी जो है अमोनियम क्लोराइड की वो ज़्यादा समय के लिए नहीं रहती तो ये रीज़न के वजह से इसका भी यूज़ बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए करते हैं द एक्सिस ऑफ क्लोराइड आयन फिल्ट्रेटेड इज एक्सक्रीटेड इन कॉम्बिनेशन एज अमोनियम क्लोराइड तो ये जो एक्सिस क्लोराइड आयन है जो कि फिल्टर्ड हुए है ये अमोनियम क्लोराइड के साथ जो है हमारे बॉडी से निकलते हैं उसके बाद इसके एडवर्स रिएक्शन देखते हैं इसका है नॉशियस टेस्ट इसका टेस्ट कुछ नॉशिया बोले तो मीन्स अपना इसको हिंदी में नोशियस टेस्ट है मीन्स अच्छा नहीं लगता है आ, समझ लीजिए गैस गैस्ट्रिक इरिटेशन होता है मीन्स जो हमारा जी आई ट्रैक्ट है वहाँ पे इरिटेशन होगा इसके अलावा उसके वजह से भी नौशिया एंड वोमिटिंग होगा जी मचलना जिसे हम बोलते हैं नौशिया तो जिसके वजह से उल्टी जैसा लगना लगता है उसे नौशिया एंड वोमिटिंग प्रोड्यूस करने वाला इफेक्ट जो है ये अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस करता है इसके अलावा इन प्रेजेंस ऑफ रीनल डैमेज इट कॉजेज एसिडोसिस तो ये अगर रीनल डैमेज में दिया गया अमोनियम क्लोराइड तो ये डेफिनेटली कॉज करेगा एसिडोसिस थेरापिटिक यूज देखते हैं ड्रग इज नॉट यूज एज अ डायोरेटिक बट इट इज यूज एज यूरिनरी एसिडिफाइंग एजेंट तो मैंने जैसा कि बोला है ये सेल्फ लिमिटिंग है और ये अगर H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा H प्लस आयन अगर सोडियम को रिएब्सॉर्ब करेंगे तो उसके वजह से बॉडी का फ्लूड रिटेंशन भी बढ़ जाएगा जिसके वजह से अमोनियम क्लोराइड की डायोरेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते एज अ डायोरेटिक एजेंट बट हाँ इसको यूरिन को एसिडिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं डोज इसका एट टू ट्वेल्व ग्राम डेली इन डिवाइडेड डोज तो इसका डोज जो है आठ से बारह ग्राम देते हैं इन डिवाइडेड डोज मीन्स एक साथ नहीं देते इसको डिवाइडेड डोज में देते हैं इसके बाद हम आते हैं थर्ड कैटेगरी वीक डायोरेटिक्स की जैन्तिन देरिवेटिव। जैन्तिन देरिवेटिव में भी थियोफाइलिन ये मोस्टली यूज होता है उसमें भी अमाइनोफाइलिन ये मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला ड्रग है जो कि डायोरेटिक करके यूज करते हैं जैंथिन प्रोबेबली एक्ट बाय इंक्रीजिंग द रीनल ब्लड बाय बोथ कार्डियक एंड वस्कुलर एक्शन एज वेल एज बाय इनिबेटिंग ट्यूबुलर रि ऑफ सोडियम तो जैनतीन जो है ये क्या करता है ये रीनल ब्लड को इंक्रीज करने का काम करता है बाय कार्डियक एंड वस्कुलर एक्शन तो रीनल ब्लड जो है रीनल ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ाने का काम जो है जैनतीन करता है बाय कार्डियक मीन्स हार्ट पे एक्ट करके एज वेल एज़ वस्कुलर जो वेसल्स है उस पे एक्ट करके रीनल ब्लड फ्लो बढ़ाने का काम जो है अमाइनोफाइलिन और थियोफाइलिन करता है और सोडियम का रि ग्लोमिलुरस फिल्ट्रेट से कम करने का काम भी ये अमाइनोफाइलिन और थीओफाइलिन करता है तो ये दो एक्शन करता है एक तो रीनल ब्लड फ्लो बढ़ाता है जिसके वजह से फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाता है थ्रू नेफ्रॉन और दूसरा जो है ये इनिबिट करता है सोडियम का रियाब्जॉपन जो कि नेफ्रॉन से रिएब्जॉपन होता है सोडियम आयंस का उसे भी इनिबिट करने का काम ये करता है इट इज वीक डायोरेटिक बट इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स इफेक्टिविटी इट शुड बी गिवन बाय इंट्रावेनस रूट तो ये वीक डायोरेटिक है बट इसका जो इफेक्टिविटी हम बढ़ा सकते हैं बाय गिविंग इंट्रावेनसली मीन्स वेन्स के अंदर डायरेक्टली देंगे तो इसका इफेक्टिविटी बढ़ जाएगा बट इसे हमें स्लोली देना है पॉइंट टू फाइव टू पॉइंट फाइव ग्राम ये जो है इन टेन टू ट्वेंटी सोलूशन में देना है और बहुत ही स्लोली हमें स्पेशली अमाइनोफाइलिन इंट्रावेनसली तो ये इफेक्टिवनेस तो बढ़ाता है एज अ डायरेटिक उसके बाद आते हैं हम कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनिबिटर पे इसमें भी एसिटाजोलामाइट ये यूज होता है एज अ कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनिबिटर। अब ये कार्बोनिक अनहाइड्रेट कहाँ प्रेजेंट होता है ये प्रेजेंट होता है रीनल कॉल्टेक्स में इसका फंक्शन है ये क्या करता है सीओ टू और वाटर को कन्वर्ट कर देता है आपका कार्बोनिक एसिड में और ये जो है एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रेस ये रिएक्शन करता है दिस एच टू थ्री फॉर्म डिसोसिएटेड टू गिव एच प्लस एंड बायकार्बोनेट आयन ठीक है तो यह जो है एच टू थ्री जो कि कार्बोनिक अनहाइड्रेस फॉर्म करता है डिसोशिएट होता है हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्बोनेट आयन में ये H प्लस आयन जो है ये अवेलेबल रहता है फॉर Na प्लस अब यह Na प्लस कहां पर रहता है Na प्लस हमारे ग्लोमिलोरस फिल्ट्रेट में रहता है और इसको रीएब्जॉर्ब करने के लिए यह H प्लस आयन जो है एक्सचेंज होता है विद सोडियम आयन तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्यूब्यूल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम के लिए जो ट्यूब्यूल है जो हमारे नेफ्रॉन में ट्यूब्यूल्स हमने बताई है उसके अंदर जो ग्लोमिलोरस फिल्ट्रेट रहता है उसमें से अगर सोडियम को रीएब्जॉर्ब होना है मीन्स वापस से बॉडी के अंदर आना है तो उसके लिए जो है ये H प्लस आयन जो है ये हेल्प करता है जो कि कार्बोनिक अनहाइड्रेस के प्रेजेंस में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ ठीक है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉम्बिनेशन से कार्बोनिक एसिड बनता है और एक कार्बोनिक एसिड से फिर बनता है H प्लस आयन और बायकार्बोनेट आयन और ये बायकार्बोनेट आयंस और H प्लस जिसमें H प्लस जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर टिब्यूल री ऑफ सोडियम सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अब हम कार देख रहे हैं कैटेगरी कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनिबिटर तो ये जो है ड्रग एसिटाजोलामाइट ये एसिटाजोलामाइट क्या करता है ये कार्बोनिक अनहाइड्रेस को इनहिबिट करता है बाय नॉन कॉम्पिटिटिव मेकेज़म जिसके वजह से एच प्लस आयन्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता और ये अवेलेबल नहीं हो पाता फॉर द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन तो एब्जॉर्पन ऑफ सोडियम आयन के लिए H प्लस आयन बनता नहीं है और इस तरीके से एक्सिस ऑफ सोडियम आयन अगर हमारे बॉडी में है तो वो इजिली बाहर निकल जाता है उसका रिएब्जॉर्बन नहीं होता क्योंकि H प्लस आयन जो कि कार्बोनिक अनहाइड्रेस बनाता है वो वहां पे अवेलेबल नहीं हो पाता हेंस Na प्लस अलॉन्ग विथ वाटर इज एक्सक्रीट तो जो सोडियम आयन है जो रि एब्सॉर्ब होना चाहिए एच प्लस के एक्सचेंज में तो एच प्लस नहीं अवेलेबल है तो सोडियम आयन क्या करेगा सोडियम आयन वाटर के साथ निकल जाता है एच प्लस और हाइड्रोजन आयन कंबाइन विथ कार्बोनेट आयन प्रोवाइडेड बाय ग्लोमल फिल्टरेट टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड दैट इज एच टू सीओ थ्री विच कन्वर्टेड टू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो H प्लस आयन जो है कंबाइन होता है बायकार्बोनेट आयन से जो कि ग्लोमरस फिल्ट्रेट में प्रेजेंट रहता है और ये बनाता है कार्बोनिक एसिड जो कि फर्दर कन्वर्ट होता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से एब्सॉर्ब हो जाता है दस इन एसिटाजोलामाइड थेरेपी ड्यू टू लैक ऑफ एच प्लस द बायकार्बोनेट आयन इज एक्सक्रीटेड इन लार्ज अमाउंट द यूरिन बिकम्स अल्कलाइन तो एसिटाजोलामाइड थेरापटी में थेरेपी uh, में एच प्लस आयन का लैक होने के वजह से बाइकार्बोनेट आयन जो है ये ज़्यादा एक्सक्रीट होता है यूरिन से और यूरिन जो है ये अल्कलाइन और बेसिक इन नेचर रहती है सिंस देर इज लैक ऑफ एच प्लस आयन सोडियम इज़ एक्सचेंज विथ पोटेशियम विच कॉज लॉस ऑफ पोटेशियम तो सोडियम को तो एक्सचेंज अगर होना है और अगर एच प्लस आयन जो है कार्बोनिक अनहाइड्रेट अवेलेबल नहीं करा के दे रहा है तो सोडियम क्या करता है दूसरा वे ढूंढता है फॉर इट्स एक्सचेंज तो उसको तो रिएबजॉर्ब होना है तो वो क्या करता है बॉडी के अंदर जो पोटेशियम है पोटेशियम के साथ वो एक्सचेंज होता है मीन्स पोटेशियम को ग्लोम्यूरोलस फिल्ट्रेट में खींच लेता है और खुद वापस बॉडी में आ जाता है तो जिसके वजह से सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है ग्लोम्यूरोलस फिल्ट्रेट में वो कम होता है और पोटेशियम कॉन्सनट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है जिसके वजह से बॉडी का पोटेशियम लेवल जो है वो कम होने लगता है द एसिडाजोलामाइड दस कॉजेज लॉस ऑफ सोडियम बायकार्बोनेट एंड पोटेशियम आयन तो इसके वजह से एसिटाजोलामाइट तीन आयन्स को बाहर निकालता है पहले तो सोडियम को निकालता है उसके बाद बायकार्बोनेट को निकालता है और फाइनली उसको खुद को एक्सचेंज होना रहता है इसलिए वो पोटेशियम को ग्रोमस फिल्ट्रेट में डालता है और खुद बॉडी के अंदर आता है तो ये तीन आयन्स को वो एसिटाजोलामाइट बॉडी से बाहर निकालता है बट सिक्वेंशियली निकालता है पहले सोडियम को निकालेगा फिर बायकार्बोनेट को निकालेगा फाइनली तब तक उसको वे मिल जाएगा तो वो क्या करेगा पोटेशियम आयंस के साथ एक्सचेंज हो जाएगा और पोटेशियम को भी बाहर मिलेगा निकालेगा एज अ रिजल्ट ऑफ दिस देयर इज अ डिक्रीज इन एक्स्ट्रासर फ्लूइड बेस विच कॉज मेटाबोलिक एसिडोसिस तो इसके वजह से जो है जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूड में बेसिसिटी जो अवेलेबल है अल्कलाइन नेचर जो है वो लॉस हो जाएगा और उसके वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एसिडिक नेचर प्रोड्यूस हो जाएगा दिस रिजल्ट इन लॉस ऑफ डायोरेटिक एक्टिविटी हेंस एसिटाजोलामाइड इज सेल्फ लिमिटिंग डायोरेटिक तो ये भी एसिडोसिस प्रोड्यूस करता है लाइक अमोनियम क्लोराइड इसके वजह से ये भी सेल्फ लिमिटिंग डायोरेटिक है तो इसका भी जो है डायरेटिक एक्टिविटी लॉस हो जाता है कुछ समय के बाद क्योंकि सोडियम जो है ये पोटेशियम के साथ एक्सचेंज होने लगता है और हमें ऐसा नहीं चाहिए कि पोटेशियम हमारे बॉडी से लॉस होना चाहिए इसके अलावा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड का बेसिसिटी है वो भी कम होने लगता है एसिडिक नेचर प्रोड्यूस हो जाता है इसलिए ये जो है एसिटाजोलामाइट ये सेल्फ लिमिटिंग डायोरेटिक है इसका भी ज्यादा यूज नहीं होता है तो ये हो गया हमारा वीक डायोरेटिक्स का पार्ट इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग गॉड ब्लेस यू